नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश में बारिश पर लगे ब्रेक का सिस्टम अब फिर से चालू होने वाला है। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। वहीं रतलाम में सोमवार को करीबन एक घंटे आधा इंच बारिश हुई। इसके साथ ही सिस्टम एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही है। मंगलवार से आधे मध्य प्रदेश में सूरज का जोर कम रहेगा, फिर बादल छाने लगेंगे। रीवा और सतना के रास्ते बारिश का नया सिस्टम प्रदेश में एंटर करेगा। अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में रिमझिम से हल्की बारिश होना शुरू होगी और बुधवार से इंदौर समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज बौछार पड़ सकती हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 5, 6 और 7 को मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के कारण मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर से बारिश का नया सिस्टम बनते हुए नजर आ रहा है। बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें टीवी न्यूज़ में।